हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। कैसे आप सब? फाइनली लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए क्लास 12 हिस्ट्री 2023 में पूछे जाने वाले सीधे सीधे एग्जाम में छपने वाले वैसे प्रश्न हैं, जो कि बिल्कुल यही हूबहू इसी तरह के प्रश्न आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि वो पता होगा, हम लोग मोरल पेपर का सीरीज निकाले हैं, जिसमें आज हम लोग का छठा वीडियो है। इससे पहले हम लोग 5 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और आपको बताए थे कि अगर आप लोग इन 10 सेट को कंप्लीट कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आप लोग को, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, टोटल क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से एक एक क्वेश्चन को अच्छी से नोट करना, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मात्र इस 10 वीडियो के सहारे हो जाए। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को तो लाइक करना ही है, अपने उन सभी फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करेंगे, जिस तक अभी जिसकी तैयारी नहीं हुई उन तक भी पहुंच जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी तैयारी कर सके। ठीक है, तो इतना आप लोग मेरे लिए कर सकते हैं, क्योंकि काफी मेहनत से आप लोगों के लिए इतने सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके लेकर तो काफी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया। इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से रटना है, जो भी करना है, टाइम तो है नहीं, आप लोग वही प्रश्न पढ़ना जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग को अच्छी तरह से पूरे क्लास को अटेंड करना। ठीक है, तो स्टार्ट करना क्वेश्चन 1 से, जिसको भी पीडीएफ चाहिए वायरल क्वेश्चन का नोट्स वगैरह, तो वीडियो को अंत तक देखेंगे, मैंने अंत में बता दिया कैसे आप लोगों को डाउनलोड करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसी को देख पाओगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है, यहां पे क्या हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब ऐतिहासिक काल श्रेणी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु वासियों को जो है किसका जो है ज्ञान नहीं था, कौन से धातु का ज्ञान नहीं था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन का, लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि काली बंगाल स्थित है वो कहाँ पे। देखिए, काली बंगाल आपका राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन करके भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास जो हुआ था कब हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे यहाँ पे, राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका, सिंधु के मैदान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा की बस्तियाँ जो खुदाई गई थी, मतलब किसके द्वारा। देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए और सी हो जाएगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा यहाँ पे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, जॉन मार्शल और मार्टिन व्हीलर। चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि भुजर राक्षस किसकी रचना थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, विशाखादत्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या डेफिनेटली बताएगा सभी को, ऑप्शन नंबर ए होगा, वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, अशोक जो है किस वंश का शासक था, तो अशोक पता है सभी को, मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की रज तरंगिनी के लेखक जो है वो कौन है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कलहन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है 10 के पतंजलि के महाभाष्य में हमें जानकारी जो मिलती है वो किस चीज़ की मिलती है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह, यानी प्राकृतिक मौर्य काल की। ठीक है, प्राग मौर्य काल की, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। क्या बोलते हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बनते थे, ये होते थे चांदी और तांबे के। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। कह रहे महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन का, आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत में गंगापुत्र के नाम से जो जाने जाते हैं वो किसको जानते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भीष्म को गंगापुत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान जो थी वो कौन थी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कह रहा है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। 15 नंबर क्वेश्चन का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा शुद्र, बिल्कुल करेक्ट होगा। 16 का त्रिपिटक सहित जो है किससे है। देखिए ध्यान से, त्रिपिटक की बात करें तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से ही, ऑप्शन क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन कहा है कि हीनयान और महायान जो संप्रदाय है ये किस धर्म से संबंधित है, ये भी आपका बौद्ध धर्म से हो जाएगा, ऑप्शन 17 का बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 का, निम्नलिखित में विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट क्वेश्चन बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी गया में। ठीक है, सॉरी वन मिनट, क्या क्वेश्चन करता था, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था। निम्नलिखित में विद्यालय से कौन सर्वप्रथम भारत आया था, वो आया था फाहयान, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पे सी जगह कुशीनगर, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहे कि महावीर का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन आंसर कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका कुंडलवन, जो कि वैशाली में पड़ता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कह रहा कि बुद्ध के बचपन का नाम बताना आपको। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कह रहा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। देखिए 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा कि एब्रे मतदा किस देश का निवासी था। 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोरक्को, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
भारत की जिन तीन भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवाद से अलबरूनी परिचित था। 24 नंबर क्वेश्चन का बताना आप लोग को, अलबरूनी जो परिचित था वो था संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगी। क्या इब्न बतूता जो भारत की यात्रा को जिस शताब्दी में से संबंधित जो माना जाता है वो थी, इब्न बतूता की भारत की यात्रा जो यात्रा को किस शताब्दी में मानी जाती है, ध्यान देंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट सबका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14वीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगी। कह रहा है कि किताबुर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, 26 का राइट सबका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता का जो यात्रा मतलब मिलता है कितने किसमें, किताबुर रहला में। चलिए नेक्स्ट मतलब लोग कह रहा है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, देखिए ध्यान से। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। 28 करा कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आरंभ करने का जो है आरंभ जो है किसने मतलब कौन संत ने किया था, रामानंद ने किया था। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर होगा। करा कि रज कहते जग जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होगा, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ बताना आपको। 29 का आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, संपूर्ण विश्व का स्वामी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट में क्या है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए चिश्ती, बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है, तो अजमेर में सॉरी मतलब दिल्ली में है। ठीक है, और ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की तो अजमेर में, ये तीनों क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज होना दोनों क्वेश्चन पे। ठीक, कह रहा है कि कबीर जो शिष्य थे वो किसके थे, 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामानंद के हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन कराए कि निम्नलिखित में से महिला संत जो है महिला रहस्यवादी संत थी कौन थी, 32 नंबर क्वेश्चन का राइट में बताना आपको ऑप्शन में यहाँ पे सी जगह रबिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर से यहाँ पे सी जगह, ठीक है, अंडाल कराईगल रबिया। चलिए यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ दिया होगा क्योंकि आप लोग इनमें सभी भी रहता है क्या। चलिए नेक्स्ट कराए कि औरंगजेब का संबंध जो है किस सूफी सिलसिले से था, 33 नंबर क्वेश्चन का राइट बताना यहाँ पे हो जाएगा आपका नक्शबंदी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कराया कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो किसने करवाया था, ध्यान देंगे। 34 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या बोलते हैं लोग, 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए क्वेश्चन हम कराया कि विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कराया कि विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम जो राजवंश था कौन था, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संगम वंश कौन था, संगम वंश जो कि हरिहर बुक का जो है संगम वंश के मतलब वंश से, और इसी की स्थापना जो की थी इन्होंने 1336 ईस्वी की थी, डेफिनेटली सभी को पता होगा 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, कौन की थी, हरिहर बुक का, यही दोनों जो थे संगम वंश से जो है संबंध रखते थे, यानी संगम वंश के थे। ठीक है, और इसी का कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन था, तो वो था कृष्णदेव राय, जो कि तुलु वंश से संबंध था, वो किस मतलब किस वंश से था, वो तुलु वंश से थे, लेकिन हरिहर बुक्का जो संगम वंश थे, इसलिए यहाँ पे विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम जो राजवंश थे वो संगम वंश, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन करें हम लोग को कि मान्यता अनुसार जो है अमर शब्द का अभिभाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वो क्या मतलब क्या है, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करना आप लोग को, यहाँ पे जो आपका समर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया था वो कौन सा शताब्दी था, देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 15वीं शताब्दी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कह रहा है दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो हुई थी कब हुई, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। कह रहा है किन जो है शासक के दरबार में जो है अष्ट दिग्गज रहते थे, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कृष्णदेव राय के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से जो है पुर्तगाली यात्री जो कौन था, 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो कि पुर्तगाली यात्री थे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है को अकबरनामा की रचना जो है किसने की थी, तो बिल्कुल बताओ आप सभी को अकबरनामा की रचना जो की थी अबुल फजल, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे कहते हैं हम लोग को बाबर के जो है स्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा जो ठीक है वो किसमें, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, तुजुक ए बाबरी एवं तुर्की। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है, रबी फसल जो है किस ऋतु में होती है, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है, फिलहाल ये क्वेश्चन आपको पूछ नहीं सकता है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका बसंत, ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, क्या बोलते हैं आप लोग, रबी फसल रबी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग को कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ जो कब नियुक्त किया, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1582, कहीं कहीं आप लोग को 1581 भी मिलता है, यानी 1582 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर को
अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। तो 46 क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी अकबर नामा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चार भागों में, याद रखना है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जहांगीर का शासनकाल जो था क्या था, 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1605 से 1627 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करें आप लोग को, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। देखिए 49 का आंसर जो होगा आपका मेवाड़ मिलता है कहीं पे, लेकिन ध्यान देंगे अकॉर्डिंग टू SBPDF PDF जो बुक हुआ है उसके अनुसार जो चित्तौर राइट आंसर दिया जाएगा। अगर आप लोग बुक के अनुसार जाएंगे तो चित्तौर, लेकिन अगर आप लोग करंट में गूगल में या कहीं भी खोजेंगे तो आपको मेवाड़ मिलेगा। तो ध्यान दें, एक बार बिहार बोर्ड ने एक अपना मॉडल पर लॉन्च किया था, बताया थे आप लोगों को पहले भी एक बार कि उसमें जो है आपको जो है चित्तौर आंसर दिया रखा था, ठीक है। तो आप लोग अगर NCERT बुक और SBPDF बुक से आएंगे तो चित्तौर राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, लेकिन आप करंट के हिसाब से देखेंगे तो आपको मेवाड़ मिलता है, ठीक है। तो लेकिन आपको आंसर देना बुक के हिसाब से तो आप लोग सी मारेंगे इस क्वेश्चन का आंसर मेरे अनुसार, लेकिन आप लोग क्या मारना है आप लोग डिसाइड करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का संरक्षक कौन था, अकबर का संरक्षक कौन था। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैरन खान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन करें हम लोग को कि मुगल नाम जो है व्युत्पन्न होता है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे हो जाएगा, 51 नंबर क्वेश्चन का आपको देगा ये मंगलों से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। कह रहा है कि औरंगजेब का देहांत जो हुआ था वो कब हुआ था। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 1707 ईस्वी में। क्वेश्चन आया कर हम लोग को कि बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वो है, क्या होगा। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे फतेहपुर सिकरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट को कह रहा है कि बादशाह नामा जो है किसने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अब्दुल हमीद लाहौरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कि दरबार में अभिवादक का जो तरीका था ये सभी था, यानी ऑप्शन स्कूल डी बिल्कुल करेक्ट मानना आप लोगों को। गुलबदन बेगम कौन थी, एक लेखिका थी, पता होना चाहिए आप सभी का आंसर सी आना चाहिए। कह रहा है कि मुगल प्रशासन में जिले को जो किस नाम से आता है। 57 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा सरकार, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो किसने किसने किया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपसे बताओ सिद्धू और कन्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी करेक्ट हो जाएगा। श्री क्वेश्चन हम लोग का अनुसार कह रहा है कि राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वो क्या है। 59 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, पहाड़ियों और संथाल लोग रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 95% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन जो कौन था, बिल्कुल करेक्ट आंसर करना चाहिए वो था पुर्तगाली। 1498 में पता है आप सभी को भारत की खोज बताया जा रहा है कि हुई थी पुर्तगाल ने, जो कि वास्को डी गामा आए हुए थे। चले कह रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक जो थे वो कौन थे, बताएंगे 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका मुनरो और रीड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग को किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जो जनजातियों की स्थिति का पता चलता है। 63 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगी। कह रहा है कि 1857 का विद्रोह जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था, तो आरंभ की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 10 मई, ठीक है, 1857 को, ठीक है। लेकिन इसका जो निर्धारित तिथि थी वो 25 मई को थी, जो कि 10 मई से स्टार्ट हो गई थी। क्वेश्चन कराया कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था चर्बी वाला कारतूस, ऑप्शन क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर होगी। कराया कि धुंधु पंत नाम था क्या था। 66 नंबर क्वेश्चन जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन आपका सी जाना चाहिए नाना साहब का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कि शाह महल जो कहाँ का रहने वाला था। देखिए यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश के बरौत परगाना का, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कराया कि सागर में अंग्रेज पुरुष महिला एवं बच्चों को कितने दिनों में किले में शरण लेकर रहना पड़ा। तो देखिए यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका 222 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कहा द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको, तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक लिखी जो अशोक मेहता ने, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं आप लोग को रहता है द ग्रेट रिवोलियन नामक, ठीक है, तो रिवोलियन पूछे तो आपको जेम्स ऑल्ट्रम्स लगाना, ठीक है, अगर द ग्रेट रिवोल्ट पूछे तो आपको अशोक मेहता लगाना, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं रखना है, रिवोल्ट एंड रिवोलियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कि किस महिला ने जो 17 उज्जैन ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 तक अंग्रेजों के विरुद्ध जो संयंत्र जो किया था। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा,
महारानी बैजाबाई सिंधिया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो बादशाह कौन था, ध्यान देंगे 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको देगा बहादुर शाह जफर, ठीक है, जिसको हम बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी, 73 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1853, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी में अंग्रेजी तथा बंगाल के नवाब में, अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको जगह ऑप्शन नंबर सी 1757, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो है चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषताएं थी, किसकी नगर की थी यहाँ पे, ये आपका बम्बई, ऑप्शन का बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहते हैं, देखिए 76 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंज कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, इसको रोलेट एक्ट भी कहा जा सकता है क्या, तो ध्यान देंगे 77 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, या फिर आपको कहीं कहीं मिलता है मोंटियो चोरमस्कर सुधार एक्ट, तो बताएंगे इस दोनों ऑप्शन में मुझे कंफ्यूज हो रहा है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ताकि फाइनल जो लोग बाद में दिख रहे हैं उसको भी इसका आंसर पता चल जाए। 1919 का दिन इनको रॉलेट एक्ट भी एक्ट ही कहना चाहिए, जिसको काला कानून के नाम से जानते हैं, पता है इसको ना, काला मतलब काला कानून के नाम से जानते हैं, ब्लैक क्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कब प्रारंभ हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हो जाएगा 1930, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। क्या कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है किस वर्ष होता है, 79 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1919 को, सबको बताना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो किसने किया था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था, वो अल हिलाल था, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी, जिसका प्रकाशन जो अबुल कलाम आजाद ने किया था। कह रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो नारा किसका था, 82 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कह रहा है कि मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था, किसने बनाया था, ध्यान देंगे 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर दक्षिण अफ्रीका ने, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि दूसरा गोल मैच सम्मेलन जो है लंदन में जो आयोजित हुआ था कब हुआ था, 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1931 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। साइमन कमीशन भारत जो कब आया था, देखिए 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस जो आए थे कब आए थे, 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1915 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए, 1917 में चंपारण जो गांधी जी गए थे वो किसके अनुरोध पर गए थे, 87 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन है। कहे कौन सा जो आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था, 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। कहे कि हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1915 ईस्वी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। 90 क्वेश्चन का, मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया था वो क्या था, कौन सा डेट था, देखिए 90 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1940, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। कह रहे सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो कब बने थे, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 1938 और 1939 दोनों में बने थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो की थी वो किसने की थी, तो 92 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाईएमएस चंद्र बनर्जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की जो है स्थापना किसने की थी, ध्यान देंगे 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहन सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया कि सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया, तो 94 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कराया कि भारतीय संविधान को निर्माण होने में कितना समय लगा था, डेफिनेटली सभी को पता होगा 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, कौन बनी थी, वो एनी बेसेंट होना चाहिए आपका 96 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि स्वतंत्र प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव जो हुए थे कब हुए थे, 97 का आपका राइट ऑप्शन नंबर ए दिसंबर जनवरी 1945, ठीक है दिसंबर से जनवरी 1945। कह रहा है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष जो कौन थे, 98 का आपका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा 98 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 99 कह रहा है कि 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देश में तैयार किया गया, देखिए 99 का आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा
यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या कि भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है किस वर्ष हुआ था, 100 नंबर क्वेश्चन का आपको जो ऑप्शन नंबर सी 1946, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हम लोग जो है 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल अगर आप लोग 100 क्वेश्चन को पूरी तरह अच्छी तरह देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में 50 क्वेश्चन गारंटी है कि यहाँ से तो देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप लोग इन सभी सब्जेक्ट का अगर वायरल क्वेश्चन चाहते हैं तो गूगल पे लिखेंगे VVI क्वेश्चन। ठीक है, अगर वायरल क्वेश्चन आप लोग लेना चाहते हैं तो मैं 1 मिनट में आप लोगों को डेमो दिखा दे रहा हूँ कैसे आप लोगों को लेना है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो मैं वायरल क्वेश्चन का बिल्कुल फ्री में आप लोग को PDF दिया हूँ, तो आप लोग बिल्कुल फ्री में एकदम 2 से 1 घंटे में आप लोग तैयारी करके एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को गूगल पे जाना। ठीक है, जैसे आप लोग गूगल पे किसी ब्राउजर पे आएंगे तो सिंपल वहाँ पर टाइप करना आपको VVI क्वेश्चन। ठीक है, इसी को टाइप करके आप लोग को सर्च कर देना है, ध्यान से देंगे स्पेलिंग, बस इसको टाइप करके जैसे आप लोग सर्च करेंगे आपके स्क्रीन पे जो है एक वेबसाइट आएगा जिसमें पिंक कलर का लोगो रहेगा, वी और भी लिखा हुआ, ध्यान देंगे यहाँ पे इस तरह का लोगो रहेगा। ठीक है, जहाँ पे आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा VVI क्वेश्चन www.vvi.question.in, ध्यान देंगे .in जरूर होना चाहिए। सिंपली इसी में आप लोग को क्लिक करना है, जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने जो है ये पेज ओपन हो जाएगा। मैं आपको वेट करता हूँ थोड़ा ओपन होने का, जिससे आप लोग का अगर नेट स्पीड फटाफट ओपन हो जाएगा। सिंपली आप लोग को यहाँ से जो है नीचे आना है और टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को नोट्स PDF बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे हमको दिखाते हैं कि नीचे आना है और नीचे यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोग, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो नीचे यहाँ जरूर क्लिक करें। सिंपली आप लोग जैसे आएंगे एंट्री करेंगे तो नीचे में यहाँ पे जो भी शो कर रहा है आप लोग को एक बार इसमें आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आपका लिंक खुल जाएगा, क्लिक करने के बाद आपको जो है फिर पीछे आ जाना है बैक बटन दबा के। जैसे आप लोग इसमें क्लिक करेंगे किसी एक पेज में लेके जाएगा, फिर उस पेज से दोबारा रिटर्न इसी पेज में आना है। ठीक है, फिर नीचे आने के बाद फिर आपको सिंपली नीचे जाना है और नीचे यहाँ पे आपको 2 लिंक मिल जाएगी, देख पा रहे होंगे। एक तो लिंक है यहाँ पे BSV वायरल क्वेश्चन 2022 ऑल सब्जेक्ट, जहाँ पे डाउनलोड करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। फिलहाल अगर आंसर की चाहते हैं तो आप लोग आंसर के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम जाते हैं सिंपली अभी वायरल क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। वायरल क्वेश्चन पे आप लोग चाहें तो यहाँ पे खोल सकते हैं या फिर अदरवाइज लोग खोलेंगे तो या फिर बंद भी कर सकते हैं, जो भी कहा जाए। तो आप लोग चलिए नीचे आना है आप लोग को। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के नाम मेंशन दिए होंगे। ठीक है, वायरल क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश दिया हुआ है, उर्दू दिया हुआ है, हिस्ट्री का आप लोग फाइनल हिस्ट्री का चाहिए तो हिस्ट्री वाले सेक्शन पे आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, आपका एक एक जो सेट बिल्कुल फ्री में मिलेगा, यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हैं जिसमें भी क्लिक करेंगे आप लोग का वहाँ खुल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे सेट नंबर 3 अगर खोला तो इसमें क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कुछ लोडिंग में हो सकता है कि 1-2 सेकंड का टाइम ले, फिर आपका जैसे लोड जाएगा तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके आपको जो यहाँ पे मिलने वाली दिखे यहाँ पे पूरी तरह से आपको जो है देखिए यहाँ पे पूरा वायरल पेपर जो दे रहा है सेट 3 मॉडल सेट इसी करके बनाया गया है, हिस्ट्री पूर्णांक इसका समय 3 घंटा 15 मिनट, तो इस तरह करके आपको साथ में आंसर भी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आसानी से आइए, पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में करिए यहाँ पे। ठीक है, एकदम 2 से 3 घंटा में आप लोग यहाँ जम के तैयारी करेंगे, आपका एग्जाम में पूरे क्वेश्चन जो यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिलते के लिए नए वीडियो, मिलते के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।